एक्सरसाइज 5.14, इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड। तो एग्जांपल नंबर 5.13 में अगर हम लोग देखें तो 5.13 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल इस तरफ था, यहाँ पे साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, मतलब इस तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 5.14 में जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी, ठीक है, मैग्नेट है इस तरफ, यहाँ पे हमारा कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, ये आपका एक्सिस है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अगर आप देखें एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे, यानी कि जो 14 सेंटीमीटर था, और एक्सिस के पॉइंट पे देखें तो हॉरिजॉन्टल फील्ड हमारा ऐसे था BH, और ये मैग्नेट का देखो मैग्नेटिक फील्ड वाइज नॉर्थ से निकल के साउथ पोल की तरफ ऐसे आ रही होती है। तो अभी एक्सिस की वजह से एक्सियल फील्ड जो होगा ये मैग्नेट का वो भी क्या होगा, ये डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, यानी कि BH और बी एक्सिस दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि नल पॉइंट कहाँ पे बनेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि नल पॉइंट है वो एक्सिस पे तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। यहाँ पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालो तो बी एच प्लस बी एक्सिस होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेटर पे देखते हैं, नॉर्मल बाईसेक्टर पे। ठीक है, सपोज नल पॉइंट नॉर्मल बाईसेक्टर पे मिल रहा है, वो डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं आर डैश। ठीक है, वो डिस्टेंस ले लेते हैं आर डैश। तो यहाँ पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसे था, ये बी एच। अब इक्विटोरियल फील्ड मैग्नेट का निकाले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही होती है, मतलब इक्वेटर इक्विटोरियल जो फील्ड होगा मैग्नेट का वो अभी इस तरफ होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि नल पॉइंट विल बी एट पॉइंट दिस पॉइंट लेट इट बी क्यू, ओके, इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, इक्विटोरियल फील्ड ऑफ मैग्नेट। सो हियर वी कैन से नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट, नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट पॉइंट क्यू इफ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ अर्थ इज बैलेंस्ड बाय इक्विटोरियल फील्ड ऑफ मैग्नेट। मीन्स वी कैन से हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल एंड अपोजिट टू वॉट, इक्विटोरियल फील्ड। सो हियर फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल 5.13 वी नो द इक्वेशन ऑफ बी एच इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π 2m अपन आर क्यूब। ओके, नाउ हियर वेन नल पॉइंट इज ऑप्टेन एट पॉइंट क्यू लेट इट बी एट डिस्टेंस आर डैश, आर डैश पे मिलता है, तो तब इक्विटोरियल फील्ड जो है वो क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4π 2m ओनली m अपन आर डैश क्यूब, बिकॉज इन इक्विटोरियल फील्ड इक्वेशन ऑफ इक्विटोरियल फील्ड इज म्यू नॉट बाय 4π m अपन आर डैश क्यूब, हियर डिस्टेंस इज आर डैश। नाउ एट पॉइंट क्यू we can say BH is equal to what, B equator. Okay, so mu naught by 4 pi 2m upon r cube is equal to, we can say mu naught by 4 pi m upon r dash cube. Here you can see that mu naught by 4 pi becomes cancelled out, ओके, एम बी ऑल्सो बिकम्स कैंसल आउट, एम बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आर डेस क्यूब को सब्जेक्ट बना है तो ये आर क्यूब उस तरफ चला जाएगा टू नीचे, तो आर डेस क्यूब क्या होगा, आर क्यूब बाई टू। से हियर वी कैन से आर डेस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट निकालेंगे तो आर डिवाइड बाई टू रेस टू क्या होगा, 1/3 बचेगा। अब यहाँ पे जो आर है वो 14 सेंटीमीटर आपको
प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया था कि वो 14 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय हमें क्या करना है 2 raised to 1/3, ठीक है, तो वो नियरली कितना आएगा आपका 1.2599 समथिंग होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आप निकालोगे तो वो आपको मिलेगा 11.2 सेंटीमीटर, 11.2